हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो सऊदी मजरा में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बरसीन कैसे काटा जाता है, और देखिए कैसे काटते हैं। चाचा है यहाँ पे, देख रहे होंगे, काट रहे हैं। और हमारा कपिल भी काटता है, वो अपने गलती से काटता है, वो भी हम बताएंगे किस लिए काटता है, नहीं तो कपिल लोग कहाँ काम करते हैं जल्दी। तो चलिए हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये चाचा है, काट रहे हैं। और ऐसे ऐसे ये जो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे तीन जगह लगाया गया है बरसीन। और ये एक इनको दिया गया है, एक हिस्सा हम ये काटेंगे और दूसरा जो है वो मैं काटूंगा, और जो तीसरा है वो कपिल काटेगा। और कपिल किस लिए काटेगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड ये देखिए, ये बरसीन लगाया गया है। और ये देखिए, बरसीन कम है, उससे ज़्यादा ये पता नहीं कौन कौन सा घास इसमें उग गया है, ये देख रहे होंगे आप। और बरसीन बहुत कम है, कहीं कहीं है, इधर तो अभी ज़्यादा है, इधर बीच में देखिए बहुत कम है बरसीन, और दूसरा दूसरा घास उग गया है यहाँ पे। तो जब ये खेत बन रहा था तो मैं कपिल से बोला था कि इसमें ये पहले ऐसे था, देखिए ऐसे था, इसी तरह से पूरा ये पता नहीं कौन सा जंगली है, कौन सा खर जमा हुआ है, उगा हुआ है, तो इसी तरह से सब था। तो हम इसको साफ़ किए, और साफ़ करने के बाद पूरा इसको लेवल किए, बराबर किए। और बराबर करने के बाद हम बोले कपिल से कि ये पाइप बिछाने के बाद तुम पानी चला करके 10 दिन छोड़ दो, इसमें 10 दिन 15 दिन पानी चला चला के छोड़ दो, ताकि इसमें जो भी पहले का जो बीज गिरा हुआ है, ये जो पता नहीं कौन कौन सा चीज़ जम उगा हुआ है इसका, तो हम बोले कि ये सब उग जाएगा, उसके बाद मैं इसको साफ़ कर दूंगा, तंदी बोलते हैं लोग अरबी में, साफ़ कर दूंगा, उसके बाद बढ़िया से तब बरसीन लगाना है इसमें, बरसीन का बीज डालना है इसमें। कपिल को इतना, इन लोगों को जल्दी होता है, आप लोग अगर रहे होंगे तो पता होगा, नहीं तो जो भाई नए लोग देख रहे होंगे वीडियो, लोगों को पता नहीं होगा, इन लोगों को हर काम में बहुत जल्दी रहता है, हर काम में बहुत जल्दी रहता है। ये लोग सोचते हैं कोई भी काम करूँ एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ, ये जल्दी जल्दी गिरा दिया। अभी देखिए बरसीन कम हो गया, और उससे ज़्यादा ये देखिए, इसको खबस की पता नहीं कौन सा बोलते हैं, इसका कौन सा नाम लेते हैं, इसका मालूम नहीं है, ये इतना ज़्यादा इसमें उग गया है कि ये कपिल भी परेशान हो गया है, ये कैसे सही होगा। अब बोलता है कि पहले साफ़ किया, 8-10 दिन हम लोगों को साथ में लेकर साफ़ कराया, उसके बाद जब देखता साफ़ नहीं होने वाला तो बोलता अब इसी तरह से काटो, एक लेवल से सबको काटो, तो ऐसे ही काटना पड़ता है। तो कपिल, जब कपिल को पता चला कि ये एक और दो बंदे से होने वाला नहीं, मैं उसको बोला कि 2-4 बंदे और लगाओ इधर उधर से ला करके, तभी जाकर ये साफ़ होगा जल्दी जल्दी। तो उसको लगा कि हाँ अभी 1-2 बंदों की बस की बात नहीं है। ये देखिए आप, तो ये 3 हिस्सा में लगाया गया है, बोला कि एक हिस्सा इस चाचा को जो काट रहे हैं आगे, इनको दे दिया एक हिस्सा, और ये बीच वाला एक हिस्सा हमको दे दिया। देखिए हम तो अपना काट कूट कर सारा ख़त्म कर दिए हैं, और उधर वाला जो हिस्सा है वो कपिल अपने साफ़ करता है, वो बोलता है कि एक हम लोग साफ़ करेंगे। अभी देखिए उसका तो पूरा वैसे पड़ा हुआ है, जब साफ़ नहीं कर पाया तो छोड़ छाड़ कर चला गया रियाद। आज हम वीडियो बना रहे हैं दिखा रहे हैं कि भाई, एक बात और है हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, कि छोटी सी छोटी भी बात हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, कि अगर आने वाले हैं आप लोग या आना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो देखकर पता चल सके कि हाँ सऊदी में काम कैसे होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, और कैसे ये लोग काम कराते हैं। तो ये सब मैं वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और हमारा यही सोच है कि जब तक हम सऊदी मजरा में हैं तब तक कितना वीडियो डाल दें कि हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को वीडियो से मिल सके आने से पहले। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कुछ पूछना है तब भी कमेंट करना आप लोग, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड।